हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आज हमारे पास है Redmi 7A और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 7A का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स। दोस्तों, अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला फीचर्स है वह गाइस आपको यहाँ पे पिंच करना पड़ेगा डबल फिंगर से। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन खुल के आ गया है। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वह गाइस वॉलपेपर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो तरह तरह की यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। आपके हिसाब से आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली यूज है, तो अगर रिसेंटली जो वॉलपेपर आप यूज कर रहे थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों, उसके बाद जो फीचर्स है वह गाइस यहाँ पे ओडिच में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत कुछ ऑप्शन खुल के आ गया है। जैसे कि दोस्तों, इस ऑप्शन को मैं टैप करके इस तरफ आकर छोड़ दूं, अभी स्पेस नहीं है। जो ऑप्शन है वो ए है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आके आप रख सकते हो, तो बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तरह तरह की ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टम्बल पेज। दोस्तों, बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत तरह तरह की आपको मोशन देखने को मिल जाएगा। आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक होम स्क्रीन लेआउट। दोस्तों, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल फिंगर से पिंच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग में जाके इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप करना चाहते हो तो इसको एनेबल करके जरूर रखना। उसके बाद दोस्तों, मोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी बहुत कुछ ऑप्शन है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मेमोरी स्टेटस नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सो मेमोरी स्टेटस, इसको अगर इनेबल कर दोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जीबी में कितना जीबी फ्री है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो काफी अच्छे फीचर्स है, अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके रख सकते हो। ऐसे भी दोस्तों, यहाँ पे जो सारे फीचर्स है वो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक शॉर्टकट बोल के एक पेज खुल के आएगा। और दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट रहेगा। अगर किसी भी ऐप को आप यूज करना चाहते हो तो स्वाइप कीजिए लेफ्ट साइड से, एंड असिस्टेंट मिल जाएगा, क्लीनर मिल जाएगा, सेंड मिल जाएगा, पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आके QR स्कैन करके किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हो। ऐसे भी यहाँ पे प्लस में यानी कि आदर्श में क्लिक करके ऐड भी करके रख सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर्स है एंड यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप आपके लोकेशन वगैरह भी सेट करके रख सकते हो, आपका फ़ोन नंबर दे सकते हो। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो किसी भी लोग देख कर आपका एड्रेस में आपका फ़ोन भेज सकता है। तो यहाँ पर आप आपका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह सेव करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो फीचर्स है उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत कुछ ऑप्शन है। दोस्तों, जो पहला फीचर्स है उसके लिए आपको डिस्प्ले में आना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल, आप सभी लोग जानते हो ये जो ब्राइटनेस लेवल है वो ए है। उसके बाद दोस्तों, जो फीचर्स है वह गाइस रीडिंग मोड। दोस्तों, ये क्या है, अगर आप अंधेरे में फ़ोन यूज़ कर रहे हो और इस ऑप्शन को अगर ऑन कर दोगे तो आपका जो आंखों का दर्द है वो व्हाइट कलर से पहुंचता है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। और इसको आप आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो एंड घटा भी सकते हो। उससे बड़ी बात है, यहाँ पर आप शेड्यूल भी करके रख सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप चाहते हो तो आप यहाँ पर शेड्यूल भी करके रख सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो डार्क मोड, जो कि न्यू फीचर्स आया है Redmi के फोन में। इसको अगर इनेबल कर दोगे दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो डार्क मोड दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर्स लगा है मुझे। अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, आपका जो बैटरी है वो थोड़ा बहुत सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो डबल टैप स्क्रीन टू वाइप, ये क्या है दोस्तों, इसको अगर मैं इनेबल कर देता हूं और ऑफ कर देता हूं, और दोस्तों यहां पे अगर मैं डबल टैप करता हूं दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो जो स्क्रीन है वो लाइट जल जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे आके कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो फीचर्स है वो है गाइस रेस टू वाइक, एक क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इसको अगर इनेबल करके मैं
ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको उठाता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्राइट है, जो लाइट है वो जल जाएगा। तो काफी अच्छे फीचर्स है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलपेपर थीम, अपना हिसाब से आप यहाँ पे थीम लगा सकते हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में आना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो फेस है वो फेस डाटा है वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट तो नहीं दिया है लेकिन गाइस आप आपके फेस से आपका फोन अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है वही गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉन्च कैमरा एक ही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेस वॉल्यूम डाउन टू इज टू लॉन्च कैमरा। दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन टैप करके रखना पड़ेगा और उसके बाद ही तुरंत ही आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर्स है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वही लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन एक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके फोन ऑफ रहता है और किसी भी नोटिफिकेशन आता है तो अपने आप यहाँ पे लाइट जल जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर्स है एंड अगर आप रखना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एडवांस सेटिंग में आना पड़ेगा और यहाँ पे भी बहुत कुछ ऑप्शन है जैसे कि पॉकेट मोड एक क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका फोन पॉकेट में है और आपका दोस्त या किसी भी लोग कॉल कर रहा है तो बहुत ही बार क्या होता है कि कॉल रिसीव हो जाता है, लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्तों, अगर कॉल करता है तो काम नहीं करेगा डिस्प्ले। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंसर में टैप करके रखता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉकेट मोड है वो ऑन हो गया है, काम नहीं कर रहा है। जब मैं हटा लूंगा और टैप करूंगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन आ गया है, तो ऐसा कुछ काम करेगा। अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐप नोटिफिकेशन है, बहुत सारे ऐप क्या होता है नोटिफिकेशन भेजता है आपके फोन में, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में आ जाता है। तो अगर आप अमेजन का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो तो 100 नोटिफिकेशन में आके इसको एनेबल डिसेबल कर देना, जो आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 100 नोटिफिकेशन आइकन एक क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ नोटिफिकेशन आइकन दिखाई देता है, मेरे अभी नहीं आया है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपका आएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा नोटिफिकेशन, तो अगर इसको इनेबल करके रखते हो तो यहाँ पे दिखाई देगा। 100 नोटिफिकेशन स्पीड एक क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो यहाँ पे आपका जो स्पीड है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर ग्राफिकल कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आके कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो शो ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आप लॉक स्क्रीन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इस ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है वही गाइस यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड रिसेंट में आना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको पहले ही बता दिया था, जो डिफॉल्ट लॉन्चर है यहाँ पे जाके आप लॉन्चर भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शन है। और लॉक स्क्रीन लेआउट मैं आपको पहले ही बता दिया था, 100 मेमोरी स्टेटस पहले ही बता दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन दिखाई दे रहा है या बटन दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप जेस्चर्स में बदलना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेस्चर्स हो गया है। अगर इस मिडिल से स्वाइप करोगे तो होम में आ जाओगे, दोस्तों इस साइड में स्वाइप करोगे तो बैक में आओगे एंड इस साइड में भी बैक में आओगे और मिडिल में आके टैप करके रखोगे तो रिसेंट ऐप खुल के आ जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर्स है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मैं अभी नेविगेशन की को रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फुल स्क्रीन मोड, दोस्तों बहुत ऐप फुल स्क्रीन मोड सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आके उन सारे ऐप्स को आप परमिशन दे सकते हो फुल स्क्रीन डिस्प्ले के लिए। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है वही गाइस सेकंड पेस एक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका फोन में दो विंडोज खुल के आ जाएगा, ऐसा कुछ दो विंडोज खुल के आ जाएगा। अगर आपके दोस्त वगैरह को फोन दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो विंडोज है यानी कि आपका जो गैलरी है, क्रोम है या कैमरा है वो यूज नहीं कर पाएगा, तो आप दूसरा कोई न्यू वॉलपेपर या न्यू विंडोज खुल के दे सकते हो, वहां पे कुछ नहीं यूज कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन करना पड़ेगा सेकंड पेस और खुल के आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। उसके बाद दोस्तों बैटरी एंड परसेंटेज आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पावर है, कितना एप्स कितने देर तक ये पावर यूज किया है दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी यहाँ पे पावर यूज में जाओगे तो कितना एप्स कितना देर तक पावर यूज किया तो यहाँ पे दिखाई देगा। मैं अभी न्यू फोन खरीदा हूँ इसलिए इतना कुछ दिखाई दे रहा है, वरना बहुत कुछ दिखाई देता। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे उतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, जैसे कि नोटिफिकेशन लाइट में जाओगे और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो
लाइट ऑफ हुई चार्जिंग, अगर आप चार्ज कर रहे हो उस टाइम लाइट चलेगा या बंद रहेगा, तो यहाँ पे अगर डिसेबल कर दोगे तो लाइट नहीं जलेगा, अगर इनेबल करोगे तो लाइट जलेगा। उसके बाद दोस्तों वन हैंड मोड, बहुत सारे लोगों को वन हैंड मोड में काम करना चाहिए, ऐसे भी ये छोटा डिस्प्ले है आपको वन हैंड मोड में काम हो जाएगा, आपको वन हैंड मोड ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिडिल से इस साइड की तरफ लेकर आ जाइए एंड वन हैंड मोड हो जाएगा। तो इस जो साइज है उसको आप छोटा भी एंड बड़ा भी करके रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है वही गाइस यहाँ पे असेंबिलिटी में जाना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पे भी उतना अच्छा कुछ फीचर्स नहीं दिया है, जैसे कि मोनो ऑडियो, जब आप हेडफोन से गाना सुन रहे हो और ये फीचर्स ऑन करने के बाद आपका जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा। पावर बटन एंड कॉल, ये क्या है दोस्तों, जब आप कॉल में हो और आप पावर बटन प्रेस कर दोगे तो आपका कॉल कट जाएगा। तो ये था कुछ फीचर्स, यहाँ पे आप प्रिंटिंग में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप प्रिंट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और गाइस ये था कुछ फीचर्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। ऐसे भी दोस्तों बहुत ही जल्दी Redmi 7A के साथ Realme C2 का डिटेल कंपैरिजन आ रहा है, उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करना, जो कि मैं ख़रीदा हूँ, ऐसे भी जो ब्लैक कलर था वो मैं गिव अवे में दे दिया हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।